हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। आप लोगों का स्वागत है मेरे आर्ट चैनल आर्टिस्टा पूजा हिंदी में। यहाँ मैं आप लोगों से बात करती हूँ हिंदी में और अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस चैनल पर। तो आज जिस वीडियो की मैं बात आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है ऑयल पेंट, ऑयल कलर्स। तो ऑयल पेंट्स या ऑयल कलर्स, अगर आप बिगनर हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किस तरह से चॉइस करने चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर ऑयल कलर्स के बारे में बात करते हैं, कैमल के ऑयल कलर्स के, क्योंकि यहाँ ये कैमल ऑयल कलर्स हमारे यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, स्टोर्स पर भी और ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है ये अमेजोन पर। तो ये स्टूडेंट कलर्स हैं, स्टूडेंट ऑयल कलर्स। इनको खोल के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये 12 कलर्स का सेट है, देखिए, और ये 9 ml की ट्यूब है। ये 300 रुपीज़ का सेट है पूरा। और अगर आप बिगनर हैं तो इस छोटे वाले स्टूडेंट सेट के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं लेकिन आपकी एज ज़्यादा है, आप इजीली ब्रशेस वगैरह हैंडल कर सकते हैं, तो ये वाला आर्टिस्ट सेट बहुत अच्छा रहेगा। दोनों के अंदर पिगमेंट का काफ़ी डिफरेंस है, वो मैं आगे डेमो करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये 400 का सेट है, 100 रुपीज़ का ही फ़र्क है, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप आर्टिस्ट कलर बाय कर लीजिए, क्योंकि सेम है, क्वांटिटी वाइज भी सेम आता है, नंबर ऑफ कलर्स भी इक्वल हैं दोनों में, शेड्स भी एक जैसे ही हैं सारे, तो आर्टिस्ट कलर बाय करना सही रहेगा। एक ये है लिंसिड ऑयल। अच्छा, लिंसिड ऑयल क्या होता है? लिंसिड ऑयल हम लोगों को चाहिए होता है ऑयल पेंट के अंदर मिक्स करने के लिए। जिस तरह हम वाटर कलर के अंदर वाटर मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी करते हैं यूज, उसी तरह लिंसिड ऑयल यूज करते हैं। ये क्या है? टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है? टर्पेंटाइन ऑयल होता है ब्रशेस को वॉश करने के लिए हमें टर्पेंटाइन ऑयल की जरूरत होती है। ये 50 रुपीज़ का आता है और ये 55 रुपीज़ का है। दोनों बॉटल 60 ml की है, दोनों ही कैमल की ब्रांड है। इस तरह से बड़ी ट्यूब्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं कैमल की ही, और ये आर्टिस्ट ऑयल कलर की बड़ी ट्यूब्स हैं, और इस तरह से बड़ी ट्यूब्स भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप ऑयल पेंटर बिगनर हैं तो। ये बड़ी ट्यूब्स भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। देखिए, ऑयल पेंटिंग की खास बात क्या है ऑयल कलर्स की, कि ऑयल कलर्स खराब नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक ये ड्राई नहीं होते हैं, तो ये अच्छा है अगर आप बड़ा भी बाय करेंगे तो। ये बड़ा ट्यूब है वाइट कलर, वाइट कलर यूजुअली हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ये 60 ml की वाइट कलर की ट्यूब हम बाय कर सकते हैं। तो ये मटेरियल सफिशिएंट रहता है मेरे ख्याल से अगर हम ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ। इस तरह से ब्रशेस की बात कर लेते हैं हम, तो ये फ्लैट ब्रशेस का सेट है, ये 400 रुपीस का सेट है, देखिए फ्लैट ब्रशेस का, फेबल कैसल का। और ये अच्छा रहता है क्योंकि फ्लैट ब्रशेस ज़्यादा यूज़ करने में आते हैं ऑयल पेंटिंग करते समय, और राउंड ब्रशेस डिटेलिंग करने के लिए काम में आते हैं। तो ये 90 रुपीस का सेट है 4 ब्रशेस का, और ये राउंड ब्रशेस का सेट है, इसके अंदर 95 रुपीज़ है ये, और डिटेलिंग करने के लिए अच्छा है ये। तो ये ब्रशेस बहुत सफिशिएंट है एक बार शुरुआत करने के लिए। इसी तरह ये आर्टिस्ट कलर है जो ऑयल आर्टिस्ट कलर्स, इसी तरह स्टूडेंट ऑयल कलर्स भी आते हैं। देखिए सेम ट्यूब, बड़ी ट्यूब में दोनों ही अवेलेबल हैं, और पूरे सेट में आते हैं ये भी, 12 का सेट आता है, और सेपरेट ट्यूब्स भी बाय कर सकते हैं आप, सेपरेट ट्यूब्स भी मिल जाती हैं। पेंटिंग करते समय कोई कलर अगर फिनिश हो जाता है तो हमको सेपरेट ट्यूब भी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं ऑयल पेंटिंग पेपर के बारे में। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्रस्टो का ऑयल पेंटिंग पेपर, ये काफ़ी अच्छा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ। 330 का सेट है ये, 8 शीट्स का सेट है। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कैनवस क्यों वेस्ट करें? देखिए, अगर हम कैनवस वेस्ट करते हैं तो मतलब कैनवस तो हम वॉल पे हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो शीट्स में शुरुआत करिए। इस तरह से 10x12 की ये भी शीट्स हैं, ये शीट्स काफ़ी अच्छी हैं। जो ये रॉय फाइन आर्ट का कैनवस पैड है, 12 शीट्स का आता है ये, और ये है 550 रुपीज़ के अराउंड आता है ये,
और ये जो ब्रस्टोक है, ये इसकी भी शीट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये शीट पेपर शीट है, लेकिन टेक्सचर काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा ऑयल पेंट ले लेता है ये अपने। तो ये लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 12 वाला सेट ले लीजिए, 10 शीट्स का सेट। और इसी तरह देखिए, ये ऑयल पेंटिंग का पेपर है, बड़ा पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो A3 साइज है, 12 शीट्स है, 240 GSM है, स्पाइरल बाउंड हो रखा है ये। तो इसमें क्या है, आपको शीट निकालनी नहीं पड़ेगी, इसमें स्पाइरल बाउंड हो रखा है, आप आराम से एक यूज करके उसको ओपन छोड़ दीजिए जब तक ड्राई होता है और नेक्स्ट यूज कर लीजिए। इसी तरह ये A3 साइज का ये भी अवेलेबल है, रॉय फाइन आर्ट का कैनवस पैड, ये भी अवेलेबल है A3 साइज में। तो आप इनमें से कोई भी ऑयल पेंटिंग पेपर चॉइस कर सकते हैं, सारे ही मैंने काफी अच्छे यहाँ पे रिकमेंड किए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्पाइरल बाइंडिंग करके मेरी इसको मैंने एक स्पाइरल बाइंडिंग करके मैंने बनवा लिया था, ये जो मेरे ब्रस्टों के ऑयल पेंटिंग पेपर्स थे यहाँ पे मैंने बनवाया स्पाइरल बाइंडिंग करके। और ये जो मैंने वर्क मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वर्क है स्टूडेंट ऑयल कलर का, तो यहाँ आप डिफरेंस भी देख लीजिए, ये स्टूडेंट ऑयल कलर से मैंने बनाया है कैमल के इससे। और ये जो है, ये देखिए अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ये है, ये मैंने बनाया है आर्टिस्ट ऑयल कलर से, तो यहाँ आप डिफरेंस फील कर सकते हैं, पिगमेंट का डेफिनेटली डिफरेंस है। तो 100 रुपीज का ही डिफरेंस है बाइंग के टाइम, तो आप आर्टिस्ट ऑयल कलर्स ले अगर आप बिगनर हैं और आप बाय करने की सोच रहे हैं तो आप आर्टिस्ट ऑयल कलर लें। इस तरह से शीट के ऊपर करने में काफी आसानी रहती है इन कलर्स को। अच्छा, इस तरह से देखिए, ये रोल आता है कैनवस रोल, ये 5 मीटर का रोल रहता है और अराउंड ये 800 से 1200 के बीच की रेंज रहती है। सबसे अच्छी बात क्या रहती है इन रोल्स की, कि आप इनको अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जो भी हमको साइज चाहिए, और हम हमारे हिसाब से इसको फ्रेम करा सकते हैं जो साइजेस हमको चाहिए हमारे फ्रेमिंग के लिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कट करके फ्रेम करा सकते हैं। इस तरह से कैनवस भी आते हैं, देखिए ये कैनवस बोर्ड है, इसके ऊपर टाइम लगता है पेंटिंग को ड्राई होने में, और ये कैनवस है, इस पे कैनवस का क्लॉथ लगा के फ्रेमिंग करी हुई है, तो इसमें जल्दी ड्राई हो जाती है पेंटिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फर्क जानना। तो चॉइस करते समय आप कैनवस को यूज करिएगा जो लकड़ी के फ्रेम में कैनवस फ्रेम हो रखा है क्लॉथ। उसी तरह अभी मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाती हूँ कि स्टूडेंट ऑयल कलर और आर्टिस्ट ऑयल कलर में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को खुद को यहाँ पे दिखेगा कि क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा डिसीजन लेना और आप जान पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट ऑयल कलर के बारे में की, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट ऑयल कलर लिया मैंने, लिंसिड ऑयल ले रही हूँ मैं मिक्स करने के लिए, ब्रशेस यूज किए हैं, रग्ड क्लोथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और शीट यूज कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो मैं शीट यूज कर रही हूँ वो है ब्रस्टो की ऑयल पेंटिंग पेपर। तो ये पेपर का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर किस तरह से अच्छा है या कैसा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्रिम्सन लेक कलर, और पैलेट की जगह मैं प्लेट यूज कर रही हूँ डिस्पोजेबल, क्योंकि मुझे इन कलर्स को रखना नहीं है, हटाना है, ये डेमो के लिए है बस। तो थोड़ा सा लिंसिड ऑयल निकाल लिया है मैंने, अब देखिए मैं दोनों को मिक्स करके लिंसिड ऑयल को और कलर को, दोनों को मैंने मिक्स किया और मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर लगाते समय ही इसका पिगमेंट जो है वो फील हो रहा है, ठीक है। जब दोनों लग जाएंगे तब आप दोनों का डिफरेंस फील कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आर्टिस्ट ऑयल कलर्स लेने चाहिए, बाकी ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, बाकी सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। आप और वीडियोस देखिए, आप और नॉलेज लीजिए गूगल से, या जो वर्किंग करते हैं उनसे पूछिए, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए ब्रश धोने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टर्पेंटाइन ऑयल की। तो यहाँ मैंने ब्रश धोया और मैंने टर्पेंटाइन ऑयल से अपना ब्रश क्लीन करा है। अब मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है मैंने, वरेडियन ह्यू, और यहाँ मैं लगा के दिखा रही हूँ, देखिए आप लोगों को।
अगर आप इसी तरह की नॉलेज जानना चाहते हैं हिंदी में मेरे साथ, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और आप अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को उनके साथ जो ऑयल पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका पिगमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाला फील आ रहा है। कलर कौन सा था, एकदम डार्क कलर शो हो रहा था, लेकिन जब मैंने पेपर पे किया तो ये थोड़ा लाइट हो गया। यहाँ मैंने ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर्टिस्ट ऑयल कलर्स की, तो यहाँ आप लोगों को डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ पर्शियन ब्लू कलर और कैडमियम येलो। तो लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। यूजुअली लाइट कलर के अंदर पिगमेंट ब्रेक ज़्यादा होता है, तो पिगमेंट का अच्छे से पता चलता है। तो यहाँ मैं लाइट कलर आपको लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कैडमियम येलो लिया है मैंने, तो देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट ऑयल कलर्स का थोड़ा सा पिगमेंट हल्का है और आर्टिस्ट ऑयल कलर्स का पिगमेंट हैवी है। तो अच्छा है आर्टिस्ट ऑयल कलर से वर्क करना, क्योंकि ये कलर्स ख़त्म नहीं होते। आप एक बार बाय कर लेंगे ना, फिर कलर ख़त्म नहीं होंगे। फिर आप बीच में सोचेंगे कि अब हमको कौन सा कलर लेना चाहिए, अब हमको नया वापस से पूरा सेट लेना पड़ेगा। तो इसलिए शुरुआत से ही आर्टिस्ट ऑयल कलर्स बाय करना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए इस तरह से मैं ज़्यादा एरिया में भी पर्शियन ब्लू लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए इसका कितना थिक है पिगमेंट, ट्रांसपेरेंसी शो नहीं हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसकी ट्रांसपेरेंसी से पता चल जाता है जब हम काम करते हैं तो। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया है, लिंसिड ऑयल, कम लिंसिड ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। देखिए अगर हमारा पेपर दिखने लगता है नीचे से, तो इसका मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी शो हो रही है। यहाँ नहीं दिख रहा है ना, देखिए। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और होप अब आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरह से कलर बाय करने चाहिए, कौन से पेपर्स बाय करने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के और वीडियोज़ बनाऊँ, या आपका कोई टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ ऐड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ देखिए आप शाइन फील कर सकते हैं, और दोनों कलर्स का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। बाय।